जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने कोर्स का आगाज़ किया हुआ है स्कूल्स एंड पर्सपेक्टिव्स इन साइकोलॉजी सो आज हमारा नेक्स्ट स्कूल ऑफ थॉट है बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। सबसे पहले जानते हैं कि बायोलॉजी और साइकोलॉजी का लिंक क्या है और ये जो पूरी पूरा एरिया है बायोसाइकोलॉजी इसका औरिजन कहाँ से हुआ और कैसे ये पर्सपेक्टिव वजूद में आया तो पूरा एक हिस्टोकल बैकग्राउंड जानने के बाद हम इसके एक मेजर कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ठीक है तो अट्ठारह और उन्नीस सदी ये जेन में रहे बायोलॉजी में इस सदी में बहुत ज़्यादा काम हुआ एमिनेंट फिलोसफर और रैन डिकार्ट दे बोथ प्रपउंडेड द फिजिकल मॉडल इन्होंने एक फिजिकल मॉडल बताया था जिसमें इन्होंने एनिमल और ह्यूमन के बिहेवियर को एक्सप्लेन किया था अकॉर्डिंग टू हिम द पीनल ग्लैंड विच एग्जिस्ट इन द ब्रेन ऑफ मैन ऑर्गेनिज्म इज द पॉइंट ऑफ कनेक्शन बिटवीन बॉडी एंड ब्रेन डिकार्ट वज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्सिस which led to muscle responses. 18th uh, or 19th century may work. william james, in his book the principles of psychology, 1890, tried to highlight that the study of psychology should be aligned with an understanding of the biological parameters. knight, dunlap, first coined the term psychobiology. in a nutshell, the philosophers were engaged in understanding the relationship between the physical and mental worlds. एटीन नाइन सेंचुरीज में बेसिक जो काम हुआ था द्यूमन ब्रेन एंड न्यूरोज फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम एंड न्यूरो ट्रांसमीटर्स ये चार पाँच मेजर और जीनेटिक्स ये चार पाँच मेजर फील्ड थे जिसमें अठारह और उन्नीस सदी में बायो और साइकोलॉजी के हवाले से काम हुआ ठीक है मैथड्स विच रिलेट बायोलॉजी बायोलॉजिकल टू साइकोलॉजी यहाँ पे चार मैथड्स हैं जो सॉरी थ्री मेजर मेथड्स हैं जिन्होंने इन्वेस्टिगेट किए थे कुछ बुनियादी की पॉइंट्स जिसकी मदद मतलब से बायोलॉजी को साइकोलॉजी के साथ लिंक किया जा सकता था पहला मेथड कम्पेरेटिव मेथड बाय स्टडिंग डिफरेंट एनिमल सीपीशीज देयर बिहेवियर अंडर सिमिलर स्टेमिला कैन बी कंपेयर टू ह्यूमन डाटा इन्हेंसिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर फिजियोलॉजी how the nervous system and hormones work how the brain functions how changes in structure and uh, functions can affect behavior for example we could ask how uh, prescribed drugs to treat depression affect behavior through uh, their interaction with the nervous system inheritance what an animal inherits from its parents mechanism of inheritance genetics for example we might want to know whether high intelligence is inherited from one generation to next gen सिंपल और इजी वर्डिंग है इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा आपको समझ आ रही होगी ठीक है थेरीज लीडिंग टू बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव यहाँ पे फोर मेजर थेरीज हैं डुअलिज्म अ थेरी डिवेल्प डी कार्ड रैने डी कार्ड ने ये थेरी प्रेजेंट की थी बॉडी एंड माइंड आर सेपरेट बेसिक क्लेम यह था इस थेरी का मटेरियलिज्म दिस थेरी अज्यूम अ फिजिकल एस्पेक्ट टू ऑल बिहेवियर इट इज़ अ बेस्ट ऑन एनिमल एंड ह्यूमन जीनेटिक्स स्टडीज सजेस्टिंग जीन्स इवाल्व्ड ओवर लॉन्ग पीरियडस ऑफ टाइम हेरीडिटी दिस थेरी अज्यूम दैटेवियल ट्रेड रिजल्ट फ्राम द पासिंग वन ऑफ द करैक्टरिस्टिक थ्रू जीन ट्रांसफर फ्राम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट तो कितनी स्टडीज रिसर्चेज आज साबित कर रही हैं कि जो जीनेटिक्स होते हैं वो जो मटीरियल होता है जो आपको इनहेरिटेड होता है ठीक है उसमें वो आप की ट्रेड्स होती हैं आपके जो बिहेवियर्स होते हैं बहुत सारी खूबियाँ होती हैं वो वालदा से मिलती होती हैं तो इस थेरी का बेसिक ये क्लेम था नेचुरल सिलेक्शन दिस थेरी वॉज डिवेल्प डार्विन हु प्रपोज द आइडिया दैट रैंडम वेरिएशन इन ऑर्गेनिज्म लेड टू बेटर रिप्रोडक्टिव सक्सेस इंश्योरिंग द पासिंग ऑन ऑफ दिस टू सब्सिक्वेंट जनरेशंस Consider as like hum aggression ko dekhte hain. school of thought kya kehte hain. The psychoanalytic perspective might view aggression as the result of childhood experiences and unconscious urges. The behavioral perspective consider how the behavior was shaped by association, reinforcement and punishment. The biological viewpoint, on, on the other hand, would in, uh, involve looking at the biological roots that lie behind एग्रेसिव बिहेवियर्स बायोलॉजिकल क्या कहते हैं कि हमारी कुछ अपने बायोलॉजिकल पार्ट्स होते हैं जिसकी वजह से कुछ फंक्शनिंग डिसफंक्शनिंग होती हैं कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जिसमें खराबियाँ होती हैं तो उसके नतीजे में एग्रेशन आता है तो ये हर स्कूल ऑफ थाट का अपना व्यू पॉइंट है सम वन हु टेक द बेलॉजिकल परसपेक्टिव माइट कंसीडर हाउ सर्टन टाइप्स ऑफ ब्रेन इंजरी माइट लीड टू अग्रेसिव एक्शंस ऑन द माइड कंसीडर जीनेटिक फैक्टर्स दैट कैन कंट्रीब्यूट सच Displays of behavior Theories required a unifying perspective. अब ये जो पीछे theories आई थी इन्होंने फिर ये इतनी debates शुरू ho gayi तो फिर एक ऐसा perspective को वजूद में लाना एक ऐसे perspective को तश्कील देना ज़रूरी हो चुका था जिसमें बायोलॉजिकल पर यानी फिजियोलॉजी फिजियोलॉजी कैसे इंसान को अफेक्ट करती है इंसान के बिहेवियर को तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक प्रॉपर स्कूल ऑफ थाट की ज़रूरत पेश आई तो उसके नतीजे में द डिवेलपमेंट ऑफ दीज थीरीज रिक्वायर्ड ए यूनिफाइंग परसपेक्टिव ऑलमोस्ट एवरी ह्यूमन बिहेवियर एंड मूड इज एनाल बायोलॉजी के परस्पेक्टिव फॉर इट्स फिजियोलॉजिकल ओरिजन क्रिमिनल बिहेवियर डिप्रेशन हैप्पीनेस लाइक हैपीनेस क्रिमिनल बिहेवियर को हम देखते हैं इट वॉज वाइडली हेल्ड बाई बायोसाइकोलॉजिस्ट दट क्रिमिनल बिहेवियर वॉज ड्यू लार्जली टू हैरिडिटी बहुत सारी रिसर्चर्स ने यह साबित किया कि जो क्रिमिनल बिहेवियर होता है वो हैरिडिटी की वजह से होता है डिप्रेशन रिजल्ट फ्राम अ ट्रोमैटिक सिचुएशन विच आल्टर अ परसनस नर्वस सिस्टम लीडिंग टू द सक्रीशन आर इनहेबिशन ऑफ सक्रीन और स्पेसिफिक न्यूरो ट्रांसमीटर्स तो ये क्या है ये बायलॉजिकल परस्पेक्टिव को सपोर्ट करने वाले आर्गोमेंट्स हैं अ परसन पर्सनैलिटी विल डिटर्मन हिज हर परसैप्शन ऑफ द एक्सपीरियंस साइकोलॉजी एज बायो साइकोलॉजी ये कंपेरिजन है यहाँ पे दिस फील्ड साइकोलॉजी इज ऑफन रेफर टू ये जो साइकोलॉजी है इसमें जितनी भी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं वो ज़्यादातर बायो से रिलेटेड होती हैं और ये बहुत क्लोजली होता है बायो के ठीक है एज़ कंपेयर टू अदर सोशल साइंसिस ये ज़्यादा फोकस करता है ज़्यादा इसका झुकाव बायो की तरफ होता है साइंस की तरफ होता है इसलिए ये एक डिबेट भी है कि इसे हम साइंस फुल साइंस करार दें या सोशल साइंस करार दें दिस फील्ड ऑफ साइकोलॉजी इज़ ऑफन रेफर्ड एज़ बायो साइकोलॉजी और फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी द ब्रांच दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी हैज़ ग्रोन ट्री मैंडसली इन रीसेंट ईयर्स एंड इज लिंक टू अदर एरियाज ऑफ़ साइंस इंक्लूडिंग बायोलॉजी न्यूरोलॉजी एंड जिनेटिक्स द बायो A biological perspective is essentially a way of looking at human problems and actions. The study of physiology and biology, uh, biological processes, has played a significant role in uh, psychology since its earliest beginnings. Charles Darwin first introduced the ideas that evolution and genetics play a role in human behavior. Natural selection influences whether certain behavior patterns are.

सिर्फ ये क्लेम करते हैं कि जितने भी बिहेवियर्स बिहेवरल प्रॉब्लम्स होते हैं या जितने भी मेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं उस उनकी वजह महज़ इंसान के अपने फंक्शंस होते हैं वो जिनेटिक्स की वजह से हो सकते हैं वो कुछ ब्रेन इंजरीज हो सकती हैं या यानी इंटरनल साइड पे जो बॉडी की डिसफंक्शनिंग uh, होती है उसके नतीजे में ये सारे मसाइल क्रिएट होते हैं तो ये एक एक्सट्रीमिस्ट व्यू पॉइंट है लेकिन जो दूसरे स्कूल ऑफ थाट हैं वो यानी ये एक नेचर और नर्चर की डिबेट है इसे आगे हम देखते हैं एक्सप्लेन बायोलॉजिकल फंक्शन एज द बेसिस ऑफ बिहेवियर ये अब ये स्कूल ऑफ थाट बायोलॉजिकल फंक्शंस द बायोलॉजिकल प्रस्पेक्टिव स्टेट दैट ऑल थाट्स फीलिंग्स एंड बिहेवियर अल्टीमेटली हैवलॉजिकल कॉज मेजर एरियाज अब इसके कुछ मेजर एरियाज हैं जो स्टडी किए जाते हैं जिनेटिक्स इम्यून सिस्टम ह्यूमन नर्वस सिस्टम न्यूरो ट्रांसमीटर्स और ग्लैंड ये आज की हम प्रेजेंटेशन में हम ये मेजर एरियाज इसके देखेंगे अगर हम आउटलाइन को देखें तो इसमें जिनेटिक्स और uh, हमारे ग्लैंड ये दो मेन टॉपिक्स हैं ठीक है Genetics. genetics is a branch of biology concerned with the study of genes, genetic variation and heredity in organisms. Biological perspective study how genes affect behavior. Now that the uh, human genome is mapped, perhaps we will uh, someday understand more precisely how behavior is affected by, uh, by the DNA we inherit. Biological factors such as chromosomes, hormones, and the brain all have a significant influence on human behavior, for example, gender. जेंडर को आप देख सकते हैं दोनों के अग्रेशन क्यों अलग होते हैं तो ये ये क्या है ये आपकी क्रोमोसोम्स हारमोनस ये डिफरेंसेस की वजह से ये बहुत बड़ा दावा है बायोसाइकोलॉजी का बायोलॉजी के परसपेक्टिव का कि जो जेंडर डिफरेंस हैं इसकी बुनियाद पर हमारे अग्रेशन हमारे फीलिंग हमारे इमोशंस हमारी थाट्स ये क्यों अलग होती हैं द बायोलॉजी के परसपेक्टिव बिलीव दैट द मोस्ट बिहेवियर इज़ इनहेरिटेड एंड हैज़ एन एडेप्टिव और एवोल्यूशनरी फंक्शन Behavior and genetics, biopsychologists study many of the same things that uh, the other psychologists do but they are inherited in looking at how biological forces shape human behaviors. Some topics are uh, analyzing how trauma to brain influence behaviors, assessing the differences and similarities in twins to determine which characteristics are tied to genetic and which are linked to environmental influences, ये ट्विन स्टडीज कितनी सारी रिसर्च साबित कर रही हैं यानी आप मोनोजाइगोटिक हैं तो मतलब दो ट्विंस ले लें एक उनका वो एक ग्रो होता है पूरे दो दो होते हैं ग्रुप में होते हैं आप एक को पाकिस्तान में उसकी प्रवेश कर लें पाकिस्तान का, का मॉल दे, दे दें और एक यूरोप में बाद में उनकी इंटेलिजेंस देखना जब वो बड़े हो जाएँ उनकी इंटेलिजेंस में कर लेना वो सेम होगी उनकी जो हैबिट्स थॉट्स फीलिंग्स ये सब कुछ सेम होगी चाहे माहौल चेंज भी हो गया तो ये एक और बहुत बड़ा क्लेम है जो कि बायोलॉजिकल परस्पेक्टिव क्लेम करता है कि ये जो ट्विन स्टडी शो कर रही हैं ये क्या है अगर आप इंडिविजुअल ये जो बायोलॉजिकल फंक्शन होते हैं इनको नहीं मानते माहौल को ज़्यादा फोकस करते हैं तो ये क्या होता है माहौल चेंज भी कर देते हैं लेकिन फिर भी उनके इंटेलिजेंस उनकी, इन, इन, उनकी थाट्स उनकी फीलिंग्स उनके बिहेवियर्स ये सब कुछ सेम क्यों होते हैं ये स्टडीज़ क्लेम कर रही हैं कि सेम होते हैं एक्सप्लोरिंग हाउ जुनेटिक फैक्टर्स इन्फ्लुन्स सच थिंग्स एज अग्रैशन इन्वेस्टिगेटिंग हाउ

for animal and human behavior. one of the major debates in psychology has long centered over the re re relative contributions of nature versus nurture. those who take up the uh, nurture side of the uh, debate suggest that it is the environment that plays the greatest role in shaping behavior. the biological perspective tends to stress the uh, importance of nature. okay, to so nature versus nurture. Is an example. नेचर क्या क्लेम करता है आवर जीनेटिक्स डिटर्मन आवर बिहेवियर आवर पर्सनैलिटी ट्रेट एंड एबिलिटीज आर इन आवर नेचर नर्चर क्या क्लेम करता है आवर एनवायरमेंट आप ब्रिंगिंग एंड लाइफ एक्सपीरियंस डिटर्मन आवर बिहेवियर वी आर नर्च टू बिहेव इन सर्टन वेज अब मुख्तफ स्कूल ऑफ थाट हैं जो नर्चर को सपोर्ट करते हैं मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थाट हैं जो नेचर को सपोर्ट करते हैं ठीक है यहाँ पर एक कंपेरिजन दिया गया है अब जो नर्चर को सपोर्ट करते हैं वो भी एक्सट्रीमिस्ट हैं जो नेचर को सपोर्ट करते हैं वो भी एक्सट्रीमिस्ट हैं यानी बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव एक एक्सट्रीमिस्ट पर्सपेक्टिव है और नर्चर जो है वो वो भी एक एक्सट्रीमिस्ट है बायोलॉजिकल अप्रोच क्या कहती है फोकस ऑन जेनेटिक हार्मोन हार्मोनल एंड न्यूरोकेमिकल केमिकल ऑफ बिहेवियर साइको अनालस क्या कहता है इन नेट ड्राइव्स ऑफ सेक्स एंड एग्रेशन नेचर सोशल अपब्रिंगिंग ड्यूरिंग चाइल्डहुड नर्चर कागनेटिव क्या कहता है अब ये जो साइको एनालिसिस है ये दोनों को सपोर्ट कर रहा है नेचर और नर्चर को और ये एक अच्छा पर्सपेक्टिव है जो दोनों को सपोर्ट करता है क्योंकि हम एक्सट्रीमिस्ट नहीं हो सकते लाइफ बैलेंस होती है दोनों दोनों फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं मैं अगर अपनी पर्सनल बात करूं तो मेरे ख्याल में दोनों फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं बिहेवियर शेप करने में दोनों बहुत अहम रोल प्ले करते हैं कागनेटिव साइकोलॉजी क्या कहती है इन नीट मैंटल स्ट्रक्चर सच स्कीम परसेप्शन एंड मेमरी एंड कॉन्सटेंटली चेंज बाय द इनवायरमेंट ये कॉग्निटिव साइकोलॉजी भी एनवायरनमेंट और स्कीमास परसेप्शन ये एनवायरनमेंट की तरफ ज्यादा फोकस करती है ह्यूमनिज्म मैस्लो एमफसाइज़ बेसिक आ, आ, फिजिकल नीड्स सोसाइटी इन्फ्लुएंसेस अ सेल्फ कॉन्सेप्ट। बिहेवियर इज बिहेवियरिज्म ऑल बिहेवियर इज लर्न फ्रॉम द एनवायरनमेंट थ्रू कंडीशनिंग तो ये एक डिबेट है next point is our immune system, immune system what the immune system is a complex network of cells and proteins that defends the body against infection. the organs and processes of the body that provide resistance to infection and toxins. organs include the uh, thymus, bone marrow, and uh, lymph nodes. the immune system keeps a record of every germ microbe. it has ever defeated uh, so it can recognize and destroy the microbe. माइक्रोब क्विकली इफ़ इट इंटर्स द बॉडी अगेन अब देखें कोई भी बीमारी आती है तो हमारी बॉडी का एक ऊपर यूं कह लेंगे एक पुलिस मैन का किरदार अदा करता है जो आपको बचाव करता है किसी भी बैरूनी फोर्स से तो वो जब बीमारी आती है वायरस आता है तो अम्यून सिस्टम महफूज कर लेता है अब जो इम्यून सिस्टम है ये मैंटल प्रॉब्लम्स जितने भी आपको डिप्रेशन एंजाइटी होती है उसमें आप करते क्या हैं उसमें आप आपकी स्लीप डिस्टर्ब होती है आपकी ईटिंग हैबिट डिस्टर्ब होती हैं उसके नतीजे में आप वीक होते हैं वीक होते हैं इम्यून सिस्टम वीक होता है तो फिर जो बीमारी होती है वो आप इफेक्ट कर वायरस आप इफेक्ट कर देता है और आप डैमेज हो जाते हैं तो बेसिकली जो इम्यून सिस्टम होता है ये स्ट्रॉन्ग कैसे होता है ये आप जब खुश रहते हैं जब आपको मेंटली पीस रहता है तो फिर आप खाना भी सुकून से खाते हैं अच्छा खाते हैं अच्छा सोते हैं तो फिर उससे क्या होता है आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहता है अब ये एक बायोलॉजिकल परस्पेक्टिव और साइकोलॉजिकल परस्पेक्टिव का आपस में एक लिंक क्रिएट करता है कि दोनों मिलकर कैसे एक पर्सन को हेल्दी बनाते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ह्यूमन नर्वस सिस्टम ये बहुत बड़ा एरिया है इस स्कूल ऑफ थाट का ह्यूमन इज द मोस्ट कम्पलेक्स क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स ऑल ऑफ दिस ऑल ऑफ हिज सिस्टम्स आर वेल डिवेल्प एडवांस एंड कम्पलेक्स दस द नर्वस सिस्टम इज मोस्ट कम्प्लेक्स एडवांस एंड एफिशेंट नर्वस सिस्टम को समझने के लिए हमें पहले समझना होगा कि न्यूर क्या होता है न्यूर आर नर्व सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम स्पेशलाइज्ड सेल्स फॉर द कंडक्शन ऑफ नर्व एम्पलस इसके थ्री मेजर पार्ट्स होते हैं सेल बॉडी कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस प्रोमिनेंट न्यूक्लियस इट आल्सो कंटेन्स गोल्जी बॉडीज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम्स इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड न्यूरॉन डेंट्राइट्स क्या होते हैं वन आर मोर शॉर्ट प्रोसेस कॉल्ड डेंट्रॉइंस विच कंडक्ट इम्पल्सर टुवर्ड्स द सेल बॉडी एक्सोन इट इज़ अ सिंगल लॉन्ग फाइबर फ्राम द सेल बॉडी इट कैरीज़ मैसेज अवे फ्राम द सेल बॉडी यहाँ पे एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है न्यूरोन का आपको यहाँ पे एक्जोन और यानी यहाँ पे डेंड्राइज भी नज़र आ रहे हैं और एक्ज़ोन और मुख्तलिफ जो इसके एरियाज़ हैं आप इसको समझ सकते हैं यानी एक डेंट्राइज यहाँ पे ये यह आपको कुछ पार्ट्स नज़र आ रहे हैं इसके यहाँ से मैसेज आता है और फिर एक्जोन इसे दूसरी तरफ लेकर जाता है तो एक्जोन यहाँ पे क्या है मैसेंजर का, का काम करता है तो ये स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ न्यूरो सेंसरी आर एफरेंट न्यूर इट कैरीज मैसेज फ्राम अ सेंस ऑर्गन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम मोटर आर एफरेंट न्यूर इट टेक्स मैसेज फ्रॉम सी एन एस टू एन एफेक्ट आर मसल आर ग्रैंड एसोसिएटिव न्यूर इट टेक्स इम्पल्स फ्राम सेंसरी न्यूर एंड पास इट टू मोटर न्यूर यहाँ पे स्ट्रक्चर है ह्यूमन नर्वस सिस्टम का इसमें दो मेजर पार्ट्स होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम पेरीफ्रल नर्वस सिस्टम अब पेरीफ्र के आगे मजीद टाइप्स हैं उनकी तरफ हम नहीं जा रहे हम देखते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है ठीक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम लाइज इन द मिड लाइन ऑफ द बॉडी कंसिस्ट ऑफ अबाउट टेन टू हंड्रेड बिलियन concerned with judgment, thinking, memory, emotions. cns consists of brain, spinal cord. so i'm um, see brain kya hota hai? Uh, physiology and structure of the brain, biological perspective, biological psychologists explain behaviors in neurological terms, the physiology and structure of the brain and how this influence behavior. many biologists, uh, biological psychologists have concentrated on abnormal behavior and have tried to explain it. for example, bi uh, biological. Psychologists believe that schizophrenia is affected by levels of dopamine, a neurotransmitter. Mental illness. These findings, uh, sorry, these findings have helped uh, psychiatry take off and help uh, relieve the symptoms of mental illness through drugs. However, Freud and other disciplines would argue that uh, this just treats the symptoms and not the cause. This is where health psychologists take the finding.

Contains of uh, billions of cells that integrate information from inside and outside the body Coordinate the body's actions and uh, enable human beings for various functions Divisions of the brain Forebrain, midbrain and handbrain Okay What is forebrain? Hota? The forebrain is the largest and most complex region of the brain Consists uh, of following structures Thalamus Ye sensory information with sensory information Except smell हैपोथेलमस ये बेसिक बायोलॉजिकल नीड्स को डील करता है लिम्बिक सिस्टम मैगडेला इसके दो आगे मजीद पार्ट्स हैं मैकडेला और हिपो कैंपस मैगडेला इमोशन को डील करता है हिपोकैम्पस मेमरी को सैरिग्रम लर्निंग मेमरी थिंकिंग जजमेंट डिसीजन मेकिंग और सबसे ज्यादा सेंसरी इंफॉर्मेशन और इससे रिलेटेड काम करता है ठीक है नेक्स्ट ब्रेन का पार्ट है मिड ब्रेन लाइज बिटवीन हिंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन प्रोसेसिंग ऑफ विजुअल एंड एडिटरी इंफॉर्मेशन ब्रीदिंग पेन परसेप्शन रेगुलेशन ऑफ स्लीप एंड अरोजल हाइड पेन इसकी आगे मजीद थ्री टाइप्स हैं जिससे इसको वाजा किया जा सकता है पोंस सैरबिलम मेजूला ऑब्लिगंडा पोंस ब्रिज फॉर कंडक्शन ऑफ इंपल्स बिटवीन सैरपलम मेजूला ऑब्लिगंडा एंड सैरबलम रेगुलेट द रेट ऑफ ब्रीदिंग स्लीप एंड वेक साइकिल सैरिबलम लिटिल ब्रेन कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट्स बैलेंस एंड स्टेबिलिटी ऑफ द बॉडी लर्निंग न्यू एंड मोटर इफ डिस्ट्रॉयड मूवमेंट्स विल बी जिरकी एंड डिस्टर्बड मेजूला अटैच द स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल्स अनकॉन्शियस बट वाइटल फंक्शन सच एज सर्कुलेटिंग ब्लड maintaining muscle tone, sneezing, कॉफिंग एंड salivating. यहाँ पे एरियाज ऑफ ब्रेन और उनके जो डिफरेंट फंक्शंस हैं उनका एक स्ट्रक्चर भी आप इसको यहाँ से भी अच्छे से समझ सकते हैं ओके okay, यहाँ पे एक पिक्चर भी है ब्रेन की इसको आप वाजह से समझ सकते हैं और इसके फंक्शंस और एरियाज को देख सकते हैं जहाँ भी आपको ब्रेन का टॉपिक आए तो उसकी एक पिक्चर अच्छे से ड्रा करें और फिर एक्सप्लेन करें थेरी के साथ यहाँ नेक्स्ट हमारा टॉपिक्स है न्यूरो ट्रांसमीटर्स यहाँ पर मेजर फो थ्री सॉरी फोर न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं इनकी फंक्शनिंग देखते हैं डोपामीन द रिवॉर्ड केमिकल ये कौन सा केमिकल है रिवार्ड केमिकल है लाउटर लाउटर एक्सरसाइज कंप्लीटिंग अ टास्क डूइंग सेल्फ केयर एक्टिविटीज ईटिंग फूड सेलिब्रेटिंग डिटेल ऑक्स Oxytocin, the love hormone. Louder exercise, playing with a dog, playing with a, bo uh, a baby, holding hand, helping you, uh, your family, giving a compliment. Serotonin, the mood stabilizer. Uh, louder exercise, meditating, running, sun exposure, uh, walking in nature, uh, swimming, cycling. Endorphin, the painkiller. Louder exercises, essential oils, watcher. तो ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं इन ये जो मुख्तफ़ किस्म के केमिकल्स होते हैं ठीक है तो इनकी जब तादाद कम या ज़्यादा होती है बाइलोजी के प्रस्फेक्ट ये क्लेम करता है तो उसके नतीजे में मेंटल एबनॉर्मेलिटीज़ क्रिएट होती हैं सो तो उनको हम इनकी कुछ मेडिसन्स भी होती हैं जैसे एंटी डिप्रेसिट वग़ैरह या मुख्तु मूड स्टेबलाइजर्स होते हैं तो उनकी तादाद को कम या ज़्यादा किया जाता है तो फिर हमारी जो मैंटल एबनॉमेलिटीज़ होती हैं वो ठीक होती हैं ये एबनॉमल साइकोलॉजी में बहुत वसी पैमाने पर यूज़ होता है नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्लैंड and types of glands an organ gland basically an organ which produces and uh, releases substances that perform a specific function in the body you have different types and uh, types of glands organ of the body uh, the secretory uh, products are enzymes uh, mucus, and other substances like uh, the important exocrine gland are salivary gland liver uh, uh, pancreas, sweat glands, etc. Endocrine gland. These glands are the uh, ductless and their secretion that are that are hormones are directly uh, poured into the circulating blood and reach the, uh, to the organ. What is endocrine glands? Group of ductless glands that regulate body processes by secreting hormones that act on uh, nearby tissues are uh, carried in the. Bloodstream to act on specific target organs and distant tissues. F functions make makes hormones that control your moods, growth and development, M metabolism, organs and reproduction. Controls how your hormones are released. send those hormones into uh, your bloodstream so they can travel to other uh, body parts or target area. In the context of uh, psychology, endocrinology. Which is a scientific study of the interaction between hormones and behavior in gonads. Gonads, which or ovaries, In gonads, hormones and aggressive behavior. Here, we a study mentioned that Deb, Hargrove, and Husel measured that testosterone level on males to check their aggression level. They found that males with the highest average testosterone levels were uh, more wild and unruly, and males with the lowest average testosterone levels were um, more well behaved, friendly, and pleasant. Hormones तो ये जो स्टडी है ये बेसिकली ये क्लेम कर रही है कि जिसके टेस्टरॉन लेवल ज़्यादा होता है वो ज़्यादा गुस्से वाले और जंगली टाइप के होते हैं और जिनका कम होता है वो क्या होते हैं बड़े वेल बिहेवड होते हैं फ्रेंडली होते हैं और प्लेजेंट होते हैं हारमोन्स हारमोन्स आर केमिकल सब्सटेंस दैट एक्ट लाइक मैसेंजर मॉलिक्यूल इन द बॉडी आफ्टर बींग मेड इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी दे ट्रेवल टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी वे आर दे हेल्प कंट्रोल हाउ सेल्स एंड ऑर्गन डू दे वर्क फॉर एग्ज़ाम्पल इंसुलिन इज अ हारमोन दैट मेड बाय द बीट सेल्स इन देंट्री एट्रीनल आउटर रीजन ऑफ किडनी दैट्सिफिक हारमोन कॉल्ड कोटिसोल कोटिसोल द स्ट्रेस हारमोनि आपको खुद ही स्ट्रेस हो जाता है कोटिसोल एक मैंने रिसर्च पढ़ी थी कि जो बेढंगी चीज़ें होती हैं बेतरतीब होती हैं जिसमें जो रैंडम चीज़ें होती हैं जो आपकी आंखों को नजर आती हैं चीज़ें लेकिन उनमें तरतीब नहीं होती खूबसूरत नहीं होती बेढंगी सी होती हैं आपका कमरा उसमें चीज़ें बिखरी पड़ी हैं तो उनको देख देख कर आपका खुद ही स्ट्रेस रिलीज़ हो जाएगा वो बाद में एक स्टडी का मैंने डीपली मुताल किया तो बताया गया उसमें कि जब आप बेढंगी चीज़ें आँखों से देखते हैं तो आपके जिसम में मौजूद कोटिसोल हारमोोन ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाता है और कोटिसोल हारमोोन लीड आउट करता है स्ट्रेस को कोटिसोल द स्ट्रेस हारमोन the adrenal cortex releases a hormone called as cortisol which activates in stress condition it has effect on cognitive functioning at low level it enhances memory and at high level cause memory impairment and neural death तो यहाँ पे देखें जितने भी हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं कितने एनवायरमेंट हमारे ख़राब हैं हमारे सड़कें टूटी पड़ी हैं हमारे इदारे टूटे पड़े हैं पेंट नहीं है पंखे इतने ख़तरनाक किस्म के हैं तो ये ऑटोमेटिकली हमें मरीज़ बना देते हैं इसलिए जो साइकोलॉजिस्ट होता है उसका बेसिक काम ये होता है कि माहौल को अच्छा बनाया जाए जब माहौल अच्छा बन जाता है तो आपके जो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं वो मुतासर होते हैं इसीलिए एट द एंड मैं टॉपिक के अख्ताम पर यही कहना चाहूँगा कि हमें एक्सट्रीमिस्ट नहीं होना चाहिए हमें दो दोनों फैक्टर्स को हेल्प आउट करना चाहिए दोनों बिहेवियर को शेप करते हैं यानी माहौल भी बहुत ज्यादा मुतासर करता है और हमारे इंटरनल फैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा मुतासर करते हैं अब ये कोटिसोल से वाजह हो रहा है कि दोनों लिंक करते हैं यहाँ पे कुछ मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड हैं पच्यूट्री ग्लैंड थायराइड ग्लैंड पैराथायर ग्लैंड एट्रीनल ग्लैंड पैंक्रियाज गुनाड्स पीनल ग्लैंड यहाँ पे इनकी फंक्शंस और लोकेशंस वगैरह वाजह हैं इंटीरियर पिच्यूट्री ग्लैंड्स हैपोथेलमस में लोकेशन करते हैं इस पोस्टीरियर पेचूटरी इसकी एक और कैटेगरी है टू कैटेगरीज हैं इंटीरियर पैचुटरी पोस्टीरियर पैचूट्री नेक्स्ट थायराइड थायरयड ये नेक में लोकेशन करते हैं पैंक्रियाज और एड्रीनल कॉर्टेक्स एड्रीनल मेजूला ये किडनी में लोकेट करते हैं और ये जो गनार्ड्स होते हैं ये ओवरी और टेस्ट्रीज़ में लोकेट करते हैं तो यहाँ पे इनकी फंक्शंस हैं और यहाँ पे एक और भी टेबल है मुकम्मल तौर पर ग्लैंड्स कौन से हारमोन रिलीज़ करते हैं इनकी लोकेशन क्या है फ़ंक्शंस क्या है इफ़ेक्ट्स ऑफ इन कॉज ऑफ इम्प्रॉपर ग्रोथ क्या है तो आप इनको अच्छे से रीड कर सकते हैं पूरा टेबल मौजूद है मैं इसको आप डिटेल में नहीं बिल्कुल सिंपल से हैं डिटेल में नहीं जाना चाह जा रहा वीडियो लॉन्ग ना हो जाए ठीक है तो ये आज का हमारा लेक्चर था उम्मीद करता हूँ आप सबके के काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग लिसनिंग एंड शेयर इट